नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का स्वप्न देख रहे सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा लगभग 7,000 पदों के लिए विज्ञापन अति शीघ्र जारी किया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों द्वारा लंबे समय से मुझसे यह प्रश्न किया जा रहा था कि सर, टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन कब जारी होगा। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। आयोग अगले महीने विज्ञापन लेने जा रहा है और इसकी परीक्षा जो है जुलाई अगस्त में हर हाल में करा ली जाएगी, क्योंकि इस भर्ती को 6 माह में पूरा किया जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह एक समाचार पत्र की खबर है। चयन बोर्ड अगले माह 7,000 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए लेगा ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज अगले माह प्रदेश के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 7,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन लेने जा रहा है। इसकी तैयारियां चयन बोर्ड में शुरू हो गई है। इसमें 5,000 रिक्त पद प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एवं प्रवक्ता के हैं, जबकि 2,000 रिक्त पद प्रधानाचार्यों के हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी होगी। चयन बोर्ड अभी तक टीजीटी एवं पीजीटी के 5,000 अध्याचन और प्रधानाचार्यों के 2,000 अध्याचन पहुंच गए हैं। शिक्षकों की भर्ती के दौरान इस बार प्रभारी प्रधानाचार्यों के भरोसे चल रहे माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की स्थायी नियुक्ति होने जा रही है। दोस्तों, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में 75% ऐसे विद्यालय हैं जिनमें स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है और अस्थायी प्रधानाचार्यों के भरोसे यह विद्यालय चल रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों को स्थायी प्रधानाचार्य भी मिलने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 7,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो रहा है। तो दोस्तों, यह भर्ती अगर 6 महीने में पूरी हो जाती है तो एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 की जो भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भर्ती थी। पदों के रूप में भी देखें या फिर समय के आधार पर भी देखें तो सबसे कम समय में पूरी होने वाली भर्ती टीजीटी पीजीटी की भर्ती थी। तो यह विज्ञापन जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है और आपको अपनी तैयारियां अभी से जोरों से शुरू कर देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। अंतिम परिणाम की पीडीएफ जब जारी हो तो उसमें आपका नाम अवश्य हो। यहां पर एक महत्वपूर्ण खबर है जो टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन से संबंधित है। यहां पर आप देख रहे हैं, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पत्रांक भी पड़ा हुआ है और यह पत्र 6/4/2022 का है। विषय वर्ष 2019-20 संस्था प्रधान एवं वर्ष 2021-22 में संस्था प्रधान प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के प्राप्त ऑनलाइन अध्याचनों का सत्यापन किए जाने के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अप्रैल तक अध्याचन मांगा गया था और अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु अध्याचन के बाद जब अंतिम रूप से प्रतियोगी छात्र चयनित हो जाता है तो विद्यालय में यह कहकर ज्वाइनिंग से मना कर दिया जाता है कि जिस पद पर आपको नौकरी मिली है यह पद हमारे यहाँ खाली नहीं है, इसमें तो दूसरे शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसलिए आयोग द्वारा इन समस्याओं के निराकरण हेतु अभी से जो है विज्ञापन को एक बार फिर से सत्यापित कराए जाने का कार्य किया जा रहा है ताकि अंतिम रूप से चयन हो जाने पर वेतन भुगतान में किसी प्रकार की कोई विसंगति उत्पन्न ना हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं, प्रधानाचार्य के 19-22 ठीक है और 21-22 में भी प्रधानाचार्य के पद खाली हुई है। तो इन दो वर्षों के बीच में प्रधानाचार्य के पद जो खाली हुई है एवं 2021-22 में टीजीटी पीजीटी के जो पद खाली हुई है इनके लिए अध्याचन मांगा गया था। महोदय, वर्ष 2022 के लिए दिनांक 13/12/2021 से 20/12/2021 तक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 4500
प्रवक्ता के 850, संस्था प्रधान के 465 तथा वर्ष 2019 में संस्था प्रधान के 1453 कुल 7268 पदों का ऑनलाइन अधियाचन जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से प्राप्त है। अधियाचन के अनुरूप चयन के पश्चात भुगतान में कोई कठिनाई अथवा नियुक्ति के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न न हो इसके दृष्टिगत ऑनलाइन अधियाचन का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चयन के बाद समस्या न उत्पन्न हो इसलिए पुनः से सत्यापन कराया जा रहा है। ऑनलाइन सत्यापन हेतु दिनांक 16/4/2022 से 25/4/2022 तक चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन पोर्टल खोला जा रहा है। इस अवधि में कोई नवीन अधियाचन भेजा नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो अधियाचन 25/4/2022 तक जो है सॉरी 4 अप्रैल तक जो अधियाचन भेज दिया गया था वही अधियाचन रहेगा, किंतु उसका सत्यापन किया जाना है। नवीन अधियाचन के लिए पोर्टल अलग से खुलेगा। ऑनलाइन अधियाचित पद पर कोई अन्य विवाद नहीं होने और पद वास्तव में अधियाचित विषय वर्ग एवं आरक्षण श्रेणी में रिक्त होने का प्रमाणीकरण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा होना अनिवार्य है, आवश्यक है। उपर्युक्त के दृष्टिगत ऑनलाइन अधियाचित पदों की सत्यापित सूचना चयन बोर्ड में अधियाचित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में पूर्व प्रेषित ऑनलाइन अधियाचनों को अद्यतन करने की सुविधा पोर्टल में दी गई है। समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों से यह कहने का निर्देश हुआ है कि पैरा 2 पर निर्धारित अवधि में समस्त अधियाचित पदों का ऑनलाइन सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। जिन अधियाचित पदों के सापेक्ष जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही सत्यापन अथवा असत्यापन नहीं किया जाएगा उन्हें चयन बोर्ड द्वारा सत्यापित मानते हुए विज्ञापन की कार्यवाही की जाएगी एवं इस संबंध में अन्यथा की स्थिति पाए जाने पर संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों ये जिला विद्यालय निरीक्षक ही है जो 2011, 2013, 2016 और 2021 की टीजीटी पीजीटी में कई प्रतियोगी छात्र जो चयनित हुए हैं उनको नौकरी से रोका है, क्योंकि इन्हीं की गलती की वजह से अधियाचन में सत्यापन में इन लोगों की कमियों की वजह से प्रतियोगी छात्र चयनित हो जाता है और इसके बाद जब अंतिम रूप से विद्यालय में चयनित होने के लिए जाता है तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसके पूरी तरह से जिम्मेदार जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जो पेपर में न्यूज है यहाँ पर आप देख रहे हैं 7000 शिक्षकों के लिए आवेदन जारी होना है। इसमें जो है 7000 पदों पर लगभग 5000 पदों के लिए टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा और 2000 पदों के लिए प्रधानाचार्य के लिए विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2000 रिक्त पद प्रधानाचार्यों के लिए, तो 2000 पदों के लिए प्रधानाचार्य के लिए विज्ञापन जारी होगा। और यदि इस अधियाचन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4500 पदों के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4500 पदों के लिए टीजीटी का विज्ञापन जारी होगा और 850, थोड़ा बहुत इसमें 2-4 पद घट बढ़ सकते हैं, 850 पदों के लिए प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। तो इस प्रकार से कुल 7268 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है और यह विज्ञापन यहाँ पर आप देख रहे हैं 25/4/2022 तक सत्यापित करने के लिए बोला गया है। तो कुल मिलाकर के मई के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। मई, जून और जुलाई यहाँ पर 3 महीने का आपको तैयारी का समय मिल सकता है और अगस्त में इसकी परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर थी, मैंने आपको बताया है। बस आपसे यही आग्रह है कि तैयारी अच्छी प्रकार से करिए, किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। परीक्षा हो जाती है उसके बाद आप चिंतन करते रहते हैं कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, एक नंबर और आ गए होते तो मेरा चयन हो जाता। तो एक नंबर आपकी ज़िंदगी को निर्धारित करेगा और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक बनना एक गर्व की बात है, अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।